आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। प्रोटोजोआंस आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ, पूछा गया है जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो किस बेसिस पे क्लासिफाइड होते हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है। पहला है न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन जो है वो मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआंस होलोजोइक होता है। होलोजोइक का मतलब ये जो प्रोटोजोआंस होते हैं वो ऑटोट्रॉफ तो होते नहीं है, और ये क्या करते हैं, ये किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं जो कि होस्ट बॉडी कह सकते हैं, और उनसे जो है वो अपना न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। वो किसी भी तरह से क्या बोलते हैं, प्रोटोजोआंस जो है वो किसी भी तरह से ऑटोट्रॉपिक या फिर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन दो टाइप के पाए जाते हैं, एक है असेक्सुअल जो कि बाइनरी फ्यूजन से होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करें तो सिनगैमी या फिर कॉन्जुगेशन के द्वारा हो जाता है, जो कि बहुत ही सिंपल सा एक रिप्रोडक्शन है जिसमें दो प्रोटोप्लास्ट जो है वो पास आते हैं और जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक्सचेंज होता है। नेक्स्ट है मोड ऑफ लोकोमोशन। अब मोड ऑफ लोकोमोशन जो है इनमें सिलियरी, फ्लैजेला और एमीबॉयड तीन तरीके का लोकोमोशन या फिर मूवमेंट के ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इसी बेसिस पे प्रोटोजोआंस जो है वो क्लासिफाइड किए जाते हैं ताकि इनको दूसरे दूसरे क्लास में या फिर डिवाइड किया जा सके। सीलियरी में क्या होता है, जो प्रोटोजोआंस सीलियरी होते हैं उनके बॉडी पे सीलिया, जैसे हमारे हेयर्स होते हैं बॉडी पे, वैसे ही स्ट्रक्चर सीलिया उनके बॉडी को कवर करता है, और सीलिया जो है ये हेल्प करता है मूवमेंट में। फ्लैजेला में क्या होता है, एक लॉन्ग ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक या फिर दो, जो कि हेल्प करते हैं ऐसे वेव लाइक मूवमेंट करके हेल्प करते हैं कि जो प्रोटोजोआ है वो आगे प्रोसीड करे। एमीबॉयड में क्या होता है, एक स्यूडोपोडिया, स्यूडोपोडिया नामक एक ऑर्गेनली है या फिर एक एक्सटेंशन है, वो एक्सटेंशन जो है वो प्रोटोजोआ एक्सटेंड करते हैं जो कि अमीबा के पास सबसे पहले प्रोनाउंस हुआ था, और ये एक्सटेंड करके वो अपना फूड एनगल्फ करते हैं या फिर लोकोमोट करते हैं। यानी कि तीन टाइप के लोकोमोशन जो है वो पाए जाते हैं, और इसी बेसिस पे जो है प्रोटोजोआंस क्लासिफाइड होते हैं। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। लास्ट है एक्सक्रीशन। तो मोस्ट ऑफ द प्रोटोजोआंस जो एक्सक्रीट करते हैं वो थ्रू कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, क्योंकि एक्सेस अमाउंट जो भी उनके बॉडी में प्रोड्यूस होता है वो थ्रू द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल वो आगे एनवायरनमेंट में जो है वो पास कर दिया जाता है, इसीलिए उनके बॉडी में जो है ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बहुत ज्यादा यूज होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जो होगा वो हो जाएगा मोड ऑफ लोकोमोशन। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।